हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2022 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन ऑल इन टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री दिया है। स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम ऑफ एफ इन द इंटरवल 0 to 4, देन एम प्लस एन का वैल्यू निकालना है। सो कितने लोकल मिनिमम है ये है एंड कितने लोकल मैक्सिमम ये है। तो एम प्लस एन का भी एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स माइनस वन इसको फैक्टराइज करने से क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री। तो एक्स एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, सो इसका फैक्टराइजेशन एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री ये हो रहा है। अब ये पार्ट के लिए हम देखेंगे 0 -1 1 3। जो फंक्शन 0 to 4 में है तो ये दो पार्ट में देखना होगा। 0 to 1 क्या होगा, जब एक्स 0 to 1 होगा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन पॉजिटिव हो गया अंदर का। सो मॉडुलस ऑफ एक्स देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू, तो सेमी होगा एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, इसको कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री। जब भी x होगा x बिलोंग्स टू 0 to 1। फिर 1 to 3 में देखना है, 1 to 3 में होने से ये पॉजिटिव ये निगेटिव होगा, तो फिर फंक्शन होगा निगेटिव। जो इसको केस वन लेते हैं, केस टू एफ एक्स इक्वल टू, जब 1 to 3 में होगा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये वैल्यू निगेटिव होगा अंदर का। सो साइन चेंज होगा, एक्स माइनस थ्री को कॉमन लेने से 1 - x² - 1 ये बन जाएगा एक्स माइनस थ्री 2 - x². जब x बिलोंग्स टू 1 to 3 हो। फिर केस थ्री, केस थ्री में एफ एक्स इक्वल टू सेमी होगा जब x बिलोंग्स टू 3 to 4, क्योंकि 3 से बड़ा होने से सभी पॉजिटिव है। तो केस वन में एफ डस एक्स क्या हो रहा है, 3 x² - 6 x। सो 3 x को कॉमन लेने से एक्स माइनस टू, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है तो ये फैक्टर 0 नहीं बना सकता। फिर केस टू एफ डस एक्स क्या होगा, केस टू में इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, -x³ + 3 x² फिर +2 x
माइनस सिक्स, सो इसका डिफरेंशिएशन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू। इसको सॉल्व करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू सिक्स प्लस माइनस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर बाय सिक्स, सो यहाँ से मिलेगा सिक्स प्लस माइनस टू रूट फिफ्टीन बाय सिक्स, दैट इज़ वन प्लस और माइनस वन बाय थ्री रूट फिफ्टीन। सो यहाँ पे वन प्लस वन बाय थ्री रूट फिफ्टीन जो है बिलोंग्स टू वन टू थ्री, तो ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स जो कि लेस देन जीरो है, ये इंटरवल में वन टू थ्री में, देयरफॉर वन प्लस रूट फिफ्टीन बाई थ्री लोकल मैक्सिमा मैक्सिमा पॉइंट केस थ्री एफ डैश एक्सिस पहले के जैसे सेमी है, थ्री एक्स एक्स माइनस टू, दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इफ x बिलोंग्स टू थ्री टू फोर। थ्री टू फोर का कोई भी वैल्यू डालने से ये जीरो नहीं होगा, सो नो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम इन थ्री बाई फोर, ये इंटरवल में नहीं है। एट x इक्वल टू वन लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन फ्रॉम निगेटिव एफ डैश एक्स, यहाँ से मिलेगा जो कि ये निगेटिव है लेस देन ज़ीरो, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ डैश एक्स, सो उसके लिए होगा ये पोर्शन। यहाँ में कितना आएगा, ये सिक्स पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दिस इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सो स्लोप पहले निगेटिव था, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, दिस इज लोकल मिनिमम पॉइंट। सो एक्स इक्वल टू वन एक लोकल मिनिमम पॉइंट है, एट एक्स इक्वल टू थ्री लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री फ्रॉम निगेटिव एफ डैश एक्स, तो उसके लिए ये है थ्री की ओर जा रहा है, इसका वैल्यू कितना है नाइन माइनस ट्वेंटी सेवन एटीन प्लस टू, सो जो कि निगेटिव है, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री फ्रॉम पॉजिटिव एफ डैश एक्स, सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये है थ्री से बड़ा है पॉजिटिव इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सो निगेटिव था पहले फिर पॉजिटिव हो गया, तो दिस इज ऑल्सो लोकल मिनिमम पॉइंट। तो m का कैपिटल m का वैल्यू वन है, स्मॉल m का वैल्यू टू है, देयरफॉर m प्लस m इक्वल टू थ्री, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m स्मॉल m प्लस कैपिटल m इज थ्री। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।